हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, जहां पर आप सीखेंगे कंप्यूटर से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बढ़िया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वर्ड की फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया था हमने। सेम प्रोसेस रहेगी, सेम टेक्निक रहेगी आज की वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, आप वो एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सेल की फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, लोकेशन चूज कर लेंगे, अब सेव एज टाइप जो आपकी फाइल है उसका टाइप चेंज करेंगे, पीडीएफ में रखेंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपकी एक्सेल की फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, एक बार डेस्कटॉप पर भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक्सेल की फाइल और ये आपकी एक्सेल से कन्वर्ट हुई पीडीएफ वाली फाइल। ठीक है, ओके, आई होप कि वीडियो समझ में आया आपको। वीडियो को लाइक कर देंगे, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, आपने वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखा, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।